ओडिशा के बालासोर में 2 जून को हुए भीषण रेल हादसे में सीबीआई ने 3 रेलवे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। तीनों को आईपीसी की धारा 304 यानी कि गैर इरादतन हत्या का केस के तहत गिरफ्तार किया गया है। इस हादसे में 292 लोगों की मौत हो गई थी। जिन 3 रेल कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है उसमें अरुण कुमार महंत जिन्हें जूनियर इंजीनियर बताया जा रहा है, एमडी आमिर खान जूनियर सेक्शन इंजीनियर और पापू कुमार जो टेक्नीशियन है वो शामिल है। इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 201 यानी कि अपराध के सबूतों को गायब करना या अपराध को लेकर गलत जानकारी देना से भी जोड़ा गया है। आईपीसी की धारा 304 के तहत गैर इरादतन केस हत्या दर्ज की गई है। सजा में अपराध की गंभीरता के आधार पर आजीवन कारावास, जुर्माना या कठोर कारावास शामिल है। गैर इरादतन हत्या का दायरा व्यापक होता है और सभी गैर इरादतन हत्याएं हत्या नहीं होती। बालासोर में जिस बाहनागा बाजार रेलवे स्टेशन पर यह हादसा हुआ वहां से लगभग 170 ट्रेनें प्रतिदिन गुजरती हैं। हादसे के बाद सीबीआई ने लॉग बुक, रिले पैनल उपकरण को जब्त कर इस स्टेशन को सील किया था। अभी बाहनागा बाजार स्टेशन पर कोई भी ट्रेन नहीं रुकती। 2 जून को वहां 3 ट्रेनें हादसाग्रस्त हो गई थी जिसमें 292 लोगों की मौत हुई थी जबकि 1208 लोग घायल थे। बालासोर में हुए ट्रेन हादसे में रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने जांच रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को सौंपी थी। रिपोर्ट में मानवीय चूक और कोरमंडल एक्सप्रेस को गलत सिग्नल दिए जाने की बात कही गई थी। रिपोर्ट में बाकी जानकारी गुप्त रखी गई थी। रेलवे बोर्ड अब सीबीआई जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। बालासोर में बहनागा बाजार स्टेशन के पास 2 जून को ट्रिपल हादसा जो हुआ था वहां चेन्नई से हावड़ा जा रही 12841 कोरमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन में खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई थी। इसके बाद कोरमंडल के कई डिब्बे पटरी से उतर गए थे। ये डिब्बे पास वाली लाइन से गुजर रही यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस से टकरा गए थे। इस हादसे में 292 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 1200 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। Thank you.